नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर में कोई वास्तु दोष है तो वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। वास्तु दोष कई बार हम अनजाने में खुद ही उत्पन्न कर देते हैं या कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे आसपास वास्तु दोष है। हमारे घर में ही वास्तु दोष हो ऐसा ज़रूरी नहीं, कई बार घर के आसपास मौजूद कुछ चीज़ों से भी वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे हमारे घर के आसपास के पेड़ पौधे भी शामिल हैं। वास्तु शास्त्र में वैसे तो पेड़ पौधों को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन घर की किस दिशा में कौन सा पेड़ या पौधा होना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत दिशा में वृक्षों का होना नकारात्मक ऊर्जा देता है, वहीं सही दिशा में पेड़ों का होना सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो आइए जानते हैं कि घर की किस दिशा में कौन सा पेड़ लगाना शुभ होगा और किस में अशुभ होगा। तो घर में कभी भी केला और नींबू का पेड़ ना लगाएं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में ये पेड़ होते हैं उनका मालिक कभी भी विकास नहीं कर सकता है। इसके अलावा अपने घर के आसपास पीपल, गुलर, आम, नीम, बहेड़ा या कोई भी कांटेदार पेड़ जैसे इमली, ये सभी पेड़ नहीं लगाने चाहिए। घर में कुछ दूरी पर आप पीपल, आम और नीम लगा सकते हैं। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पूर्व दिशा में कभी फलदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे सतनी की हानि होती है। वहीं पश्चिम दिशा में लगे कांटेदार वृक्ष से शत्रु का भय सताता है और दक्षिण में दूध वाले पेड़ लगाने से धन हानि झेलनी पड़ सकती है। मित्रों, दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात अग्नि कोण की ओर पलाश, बरगद, लाल गुलाब अशुभ एवं कष्टदायक माने जाते हैं। इस दिशा में लाल फूलों के वृक्ष व लताएं तथा कांटे वाले वृक्ष लगाना सही नहीं माना जाता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।